भारत विकास संकल्प यात्रा जो है लगातार जो है भवानी मंडी पंचायत समिति के 27 ग्राम पंचायतों में होने जा रही है, जिसमें आज हम मिश्रोली पहुंचे हैं और यहां पर हमने देखा है कि कई ग्रामीण अंचलों के 17 योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय विधायक कलराम मेघवाल की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम किया गया। यहाँ के सरपंच जगमाल की अगुवाई में पूरा कार्यक्रम को संपन्न किया गया। ऐसे में यहाँ SDM राहुल मल्होत्रा, प्रधान सुल्तान सिंह और पूरे जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ मौजूद रहे। ऐसे में हमने आपको जानकारी दे दें जैविक खेती कैसे होती है। हमने उस किसान से भी बात करने की कोशिश की कि अगर हम प्रण कर लें कि हमें जैविक खेती करनी है तो हम कर सकते हैं। ऐसे पूरी जानकारियां जो है इस कैंप के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी आपने अंदर देखा, पूरा फीडबैक हमने जानने की कोशिश की। यहाँ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए, सिलाई के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत बात कही, लोन के लिए विश्वकर्मा जो योजना है उसके अंतर्गत सभी जातियों को, जितनी भी जातियों को उनमें लिया गया, 3 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है। ऐसे में खबर 24 न्यूज जो है ऐसी सार्थक खबरों को हमेशा दिखाने का प्रयास करता है और आगे भी आपको इस तरह की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता रहेगा। मैं लोकेश मुखाना, खबर 24 न्यूज। झालावाड़, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, आम जन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार वैन व शिविरों के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा भवानी मंडी पंचायत समिति की भवानी मंडी ग्राम पंचायत मिश्रोली व सिलेगढ़ पहुंची, जहां पर सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं डग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालूराम मेघवाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे और आम नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उक्त ग्राम पंचायतों में गुरुवार को संकल्प यात्रा वैन के पहुंचने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, स्वागत समिति के सदस्यों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, लाभार्थियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात वैन के LED स्क्रीन पर माननीय प्रधानमंत्री का प्री रिकॉर्डेड वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। वहीं आमजन को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही मौके पर वंचित पात्र लोगों को संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया। शिविरों के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित परिवारों से नए कनेक्शन वितरित किए गए। वहीं जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मिश्रोली सरपंच जगमाल सिंह, उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा, प्रधान सुल्तान सिंह, वहीं सिलेगढ़ पंचायत में सरपंच कुंवर राजेंद्र सिंह राठौर व सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मेरा नाम रमेश कुमार कुलमी मिश्रोली। विकसित भारत यात्रा में जिस तरह से किसानों को जो आप जानकारी दे रहे हैं कि जैविक खेती कैसे होती है और किस तरह के जो केमिकल अभी जो आ रहे हैं जिससे क्या है कि आज की जो उपजाऊ सब्जियां हैं उसको काफी नुकसान हो रहा है, किस तरह से मिश्रोली के अंदर आपने इन चीजों को किसानों तक पहुँचाया? ये जो हम अभी तक जो सब्जियां और अनाज और जो भी केमिकल युक्त खा रहे हैं, जो रासायनिक खाद का और कीटनाशक युक्त, ये जितनी सारी बीमारियां और नई नई बीमारियां जो पैदा हो रही है, जो अपने का डायबिटीज है, कैंसर है और इतने इतनी तरह की जो बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का मेन जड़ ये केमिकल ही है। अब इनसे इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को जरूरी जाना जरूरी है और जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि किसान प्राकृतिक खेती करें। अब प्राकृतिक खेती में क्या है, जो प्रकृति है, जो जंगलों में जो खेती होती है उसमें कोई भी ना तो पानी देता है और ना कोई भी उसमें खाद देता है, तो वो पोषक कैसे चल रहे हैं, उनको कौन क्या कर रहा है, तो वो हमें सीखना है कि वो उनके लिए कौन खुराक दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब आज कहने का मतलब है कि उस खेती को हमें अपने खेतों में करना जरूरी है। अब उसके लिए हमें करना है कि पहले हमें कार्बन समझना, हमें बैक्टीरिया समझना, जो जीवंत भूमि बोलते हैं हम जीवंत भूमि समझ नहीं सक रहे हैं, उसके लिए केमिकल डाले मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो असंख्य का बैक्टीरिया वो सब नष्ट हो गए। अब इसको हमें वापस नए सिरे से जीवित करना है और उसको जीवित करने के लिए हमारे पुराने ग्रंथों में दे रखा है गौ माता का वर्णन, तो उसमें जो दे रखा है कि पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं कि कलयुग में जो प्राणी में और वनस्पति में रोग आएगा तो उनका समाधान क्या है, तो उन्होंने उसका बता रखा कि गौ माता, परंतु क्या है कि हम उस गौ माता को आध्यात्मिक तरीके से समझे, उसे वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझे। अब आज के जमाने में विज्ञान ने जब गौ माता का अध्ययन स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि गौ माता शुद्ध गौ माता में 50,000 से लेकर 2,50,000 तक अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि गौ माता को याद है कि 27 नक्षत्र में वो ग्रेजिंग करने जाती थी, तो उसको क्या खाना है ये उन्हें याद है। तो जब वैज्ञानिकों ने आज मालूम किया उन बातों को, तब 935 से 1100 वनस्पति आइडेंटिफाई किए, तो जब वो उनके शरीर में जाती है उसके जो उसमें 108 तक उनसे जुड़ लेती है, तो उसके शरीर में 6,064 कंपाउंड पैदा होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने उनके शरीर में 50,000 से लेकर 2,50,000 तक अलग अलग वैरायटी के बैक्टीरिया बनाए। और आज की तारीख में हमने केमिकल खिला के गौ माता को सारे वो बैक्टीरिया भी नष्ट कर दिए। अभी जो वर्तमान में जो विटामिन सब्जियां जो है वो लगातार जल्दी उपजाऊ होती है और वो नुकसान भी देती है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सबसे ज्यादा है कि हमें किसानों को धीरे धीरे करके उन्हें छोड़ना, डायरेक्ट आप प्राकृतिक खेती पे नहीं आ सकते, तो हमें उस खेतों को केमिकल को कम करना खर्चे, तो आज उसको कम करने का एक नया तरीका है कि किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा, तो उसमें आप जैसे जो खाद डाल रहे हैं उसको आधा कर दो और उसके साथ आप सड़ी हुई गोबर की खाद लो और उसको आप भट्टी खाद बनाओ और उसको ढककर रख दो, 3 दिन के बाद उसको पलटी देकर उसको ढककर रख दो, तो जो उसके केमिकल गुण है वो वही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप खेत में उपयोग करो, तो उसकी वजह से आपके खेत में जो केमिकल की मात्रा वो नहीं जाएगी। इसके अलावा आप जो केमिकल की जगह आप उसमें 10 पर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र और अग्नेस्त्र और इनका उपयोग करो, तो उसकी वजह से आपके खेतों में जो बीमारी है जानकारी बुलाकर ली जाएगी, किसान संबंधित बात की जाएगी। आज जो आपने जो इस विकास यात्रा में लोगों को जानकारी दी है, धन्यवाद। वो सही नहीं आपका भी धन्यवाद। पहले आप कैसे रहते थे? जब आवाज कच्चा था तो कैसे? कच्चा था साहब, जो पक्का बनाया। कच्चा था साहब, जो पक्का बनाया साहब। कच्चे में आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी? बहुत दिक्कत आती साहब, जानवर वानवर सबकी दिक्कत आती, मारू बिच्छू खाता है, सांप खाता है। तो अब तो भगवान ने आना खूब रजक दो, मेरी तो यही दुआ है। और सरपंच साहब जय जयकार साहब, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या दिलाए सब चले जा जारू जारू के हाँ पेशेंट को डिप्पी दे रहे हैं,
उसमें वो अगले दिन अपना बलगम लेके और पीएससी करा उनके जाएंगे, फिर हम उनकी जांचें करवाएंगे, फिर उनको आगे रेफर करके झालावाड़ से उनकी आगे की जांचें होगी जैसे सीबी नॉट वगैरह, और उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। और वो टीबी का इलाज आशाएं देती है और वो उसका फॉलोअप भी करती है। तो इसका हमारा लक्ष्य ये है कि हमें टीबी मुक्त भारत करना है। टीबी वैसे कम हो रहा है लेकिन अभी हमको पूरे भारत से टीबी को एकदम से हटाना है। तो ये सब अगर आप लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तो आपकी मदद से ही हो पाएगा। तो मेरा आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे में टीबी के लक्षण है तो आप तुरंत पीएससी पर आकर अपनी जांच करवाएं। दूसरी हमारी योजना है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया अनुमूलन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग करते हैं। पीएससी में एनीमिया की स्क्रीनिंग होती है जिसमें हम आपकी खून की जांच करते हैं। अगर किसी को भी कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो आप पीएससी पे आए और पहले हमारे पास यहाँ आए, यहाँ हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर हम आपको आगे रेफर कर देंगे। पानी मंडी से आया हूँ। सभी मंच में विराजमान मेरे सभी सदस्य, उनको मेरा साधारण नमन एवं ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए आपको एक वर्ष के देने होते हैं, जिसमें आपकी साधारण मृत्यु होने पर भी 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें आपको 20 रुपए प्रति वर्ष देना होता है, जिसमें आपकी किसी भी कारणवश दुर्घटना हो रहे पर या फिर किसी भी वजह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की बीमा योजना है। और जनधन योजना, जिसमें जनधन योजना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग होते हैं, जिसमें आप सभी के अकाउंट ओपनिंग हो सकते हैं। और इसमें जैसे पेंशन, पीएम किसान एवं इससे जुड़ी हुई सभी योजनाएं, जिसे डीबीटी के माध्यम से आपके जनधन अकाउंट में जमा हो सकती है।